कर रही है, डरा दिया ना मुझे। अजी खाना लग गया, खाना खाने चलिए मेरे साथ। अरे अपने कपड़े कहीं भी क्यों फेंक देती है आप? फेंके नहीं थे बहू, ये साड़ी तो मैंने सुखाने के लिए डाली थी। लेकिन हमारे कपड़ों के साथ क्यों? आप क्यों हमें अपनी बीमारी लगाना चाहती है? ऐसा क्यों कह रहे हो बहू? वैद्य जी ने तो कहा है ये बीमारी छुआछूत की नहीं है। हाँ हाँ, उन्हें तो अपनी दवाई बेचनी है, वो तो कहेंगे ही ना। लेकिन आपके चक्कर में पूरे गांव वाले हमसे दूर रहने लगे हैं। आपको अच्छा लगता है क्या? खुशी मिलती है आपको? मुझे खुशी क्यों मिलेगी बहू? तुम लोगों को तकलीफ होगी तो मुझे थोड़ी ना अच्छा लगेगा। तो आप जिम्मेदार बनिए ना, घर में इधर उधर घूमना बंद कीजिए। जब मन हुआ आप आंगन में चली जाती हैं, जब मन हुआ आप रसोई में चली जाती हैं, जिसको चाहा छू लिया, हमारे कपड़ों के साथ अपने कपड़े सुखा दिए। अब ये सब देखकर गांव वालों को और लगता है कि हम लोग आपकी बीमारी के प्रति सतर्क नहीं है। आपकी इस लापरवाही का अंजाम हमें भुगतना पड़ रहा है। लेकिन बेटा मैं तो आई, रहने दो, मुझे कोई बहस नहीं चाहिए। आज से आप इस कमरे में ही रहेंगी, खाना पीना सब यहीं पहुंचा देंगे हम। और अगर भूल से भी इस कमरे से बाहर निकलने की इच्छा हो तो इस ताले को देख लेना, और इसको देखते हुए यही याद करना कि अभी तो इस कमरे का दरवाजा खुला है। अगर आपने जरा भी बाहर निकलने की कोशिश की तो आपको अंदर बंद करके ताला लगा दूंगा। अजी को ताले में बंद कर देगी आप? तू चुप कर। और अगर आज के बाद इनके आसपास भी दिखी ना तो सबसे पहले तेरी टांग तोड़ दूंगी, समझी? एक दाग ने हमें इतना पराया कर दिया। ऐसे दाग के साथ जीने से अच्छा तो मर जाना है। चलिए आप। आजी, आजी, आजी। वो घर तो मैंने अपनी इच्छा से छोड़ा, क्योंकि मैं जानती थी वहां मेरी किसी को जरूरत नहीं थी। लेकिन ये घर नहीं छोड़ना चाहती थी। इस घर में मेरी जरूरत थी, और बेला उससे तो मोह हो गया था। बहुत दिनों के बाद आपसे भेंट हुई। अच्छा भाव, मैं चलता हूँ। नमस्कार।
सरस्वती काकी? अब मैं कहाँ जाऊँ? सखाराम ने मुझे देख लिया तो सारे गांव को बता देगा मेरे निशान के बारे में, और फिर इस गांव में मुझे कोई नहीं रहने देगा। क्या करूँ? राम जी भला करें। जब भगवान एक रास्ता बंद करते हैं तो हमेशा कोई दूसरा रास्ता खोल भी देते हैं। ये सड़क कहाँ जाती है? जहां भी जाती हो, सकाराम से बचने के लिए मुझे इसी पे चलते रहना होगा। राम जी भला करें। आपने अपना काम किया राम जी, तेरी महिमा मेरे साई, अब मेरी बारी। कौन जान पाया? जय श्री राम। साई ओ जय श्री राम। साई ओ श्री राम। तुमने माँ जी को बोलने का मौका तो देना चाहिए था। भावनाओं में बहकर क्या क्या बोल गई मैं भी, पर अब पछताने से क्या फायदा। इक्षाम देही माई, आज मैं भिक्षा में सिर्फ गेहूं ले रहा हूं। राम जी भला करें। साईं, साईं मैं आपके लिए भिक्षा लाई हूं। राम जी ने एक अमानत दी थी, वो तुम दोनों संभाल नहीं सके। अब तुमसे भिक्षा लूंगा
तो मेरे राम जी को बुरा लगेगा। गुस्से में आकर ना जाने मैंने क्या क्या कह दिया उन्हें। और क्या मिला? जो मिला था वो भी खो दिया। हमें माफ कर दीजिए साई। भूल का आभास होना भी जरूरी है। लो भिक्षा दो। जो गलती हुई है उसे सुधार लो। कैसे? हमें तो ये भी नहीं पता कि माँ जी कहाँ गई हैं। नहीं तो मैं उनसे अपने किए की माफी मांगती। कभी कभी भक्त तक पहुंचने के लिए भगवान के जरिए जाना पड़ता है। अपनी आंखें बंद करो और राम जी की प्रार्थना करो। जी साईं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। साईं बाबा कहाँ गए? मैं यहाँ वापस कैसे आ गई? मैं तो दूसरे रास्ते जा रही थी। माँ जी, बहुत बड़ी गलती की है मैंने आप पे विश्वास ना करके। चली गई तो बेला से सच पता चला और मुझे बहुत पछतावा हुआ कि मैंने आपको इतना कुछ कह दिया जबकि गलती आपकी नहीं थी। गलती तो मुझसे हुई है। तुम दोनों ने मुझे सचेत किया था लेकिन मैं सतर्क नहीं रही। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। नहीं माँ जी, गलती तो हमारी है कि हमने बेला को बिगाड़ दिया है। नहीं नहीं, बेला तो बहुत प्यारी बच्ची है, बस किसी वजह से सबसे नाराज है। लेकिन वो मन की बहुत पवित्र है, इसीलिए तो उसने तुम्हें सब सच बता दिया। अब समझ आया कि घर में बड़ों का होना क्यों जरूरी होता है। मैं तो डर की वजह से उसे डांटती रह गई पर आपने उसे समझने की कोशिश की। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। आइए अपने घर में वापस चलिए। Thank you.
इसी तरफ आते देखा था, यहीं कहीं छुप गई होगी। लेकिन शिरडी में तो उनका कोई रिश्तेदार नहीं था। फिर कौन पना दे रहा है काकी को? साई लाइए, मुझे दीजिए। साई, इतना भारी सामान उठाकर लाना था तो मुझे कह देते। अच्छा लगता है जब मुझे अपनों के लिए कुछ करने का मौका मिलता है। आहो, आज आपने गणपति का अभिषेक किया? जो साफ नजर आ रहा है उसके लिए ईश्वर की गवाही क्यों चाहिए आपको? क्योंकि जो तुम कह रही हो वो मेरी धारणाओं के विरुद्ध है। मुझे सत्य जानना होगा। और सत्य जानने के लिए क्या करना होगा मैं बताऊं? छोड़ो, जाने दो। आज बेटी की सुपारी फोड़ने की रस्म हुई है तो बच्चों को कुछ मीठा बना के खिलाओ। गेहूं के आटे का शीरा खाने का बहुत मन है, वही बनाओ, गेहूं के आटे का शीरा। क्या हुआ? वो गेहूं खत्म हो चुके हैं। वासुदेव गया था दुकान पे तो दुकान वाले ने कहा कि 2 दिन बाद आएंगे गेहूं। जिस घर में गेहूं के आटे का शीरा खाने को नहीं मिल सकता, हाँ मेरे सवाल का जवाब क्या मिलेगा? साई, इतना सारा गेहूं इसका क्या करना है? साई, संभाल के रखो, कोई रूठ कर आने वाला है, उसे मनाने के लिए काम आएगा। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम। साई, खिचड़ी बन गई है, मैं परोस देता हूं। अभी नहीं तात्या, मैं किसी की राह देख रहा हूं, वो पहुंचने ही वाला है। कौन साई? सबूरी रखो। कल बेला बेहोश हुई तो मुझे लगा जैसे मेरी सांस ही रुक गई है, लेकिन मैं समझ नहीं पाई अचानक बेला को हुआ क्या। बाहर ज्यादा गर्मी भी नहीं थी, बेला ज्यादा खेली भी नहीं जो बेहोश हो जाए। अगर हम चाहते हैं कि माँ जी बेला का अच्छे से ध्यान रख सके तो उन्हें बेला का सच जानना जरूरी है, नहीं तो ऐसा हादसा फिर हो सकता है। क्या हुआ माँ जी?
बेला बहुत बीमार है, उसके दिल में एक परेशानी है जो जो जानलेवा भी हो सकती है। क्या? धीरे माँ जी, हमने बेला को नहीं बताया है। ऐसा बोलते हैं हकीम बैद कि उसके दिल में खून के थक्के हैं, मतलब खून की गुठली जैसा कुछ। उसे कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है जो उसके दिल की गति को बढ़ा दे। खेलना कूदना सब मना है, इसीलिए तो हमने उस पे इतनी पाबंदी लगा रखी है। और उसे इस डर से नहीं बता रहे कि कहीं वो अंदर ही अंदर टूट ना जाए। प्रणाम साई। राम जी भला करे। आओ श्यामा, पहले कुछ खा लो, भूख लगी होगी। भूख तो लगी है साई। पर पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं साई, आपका बताया हुआ काम मैं ठीक से कर नहीं पाया। कौन सा काम माधव काका? साई ने मुझे कुमकुम लाने के लिए कहा था, लेकिन साई मुझे थोड़ी मोहलत और चाहिए। क्यों श्यामा? साई कुमकुम तो मैं लाया हूं, लेकिन अंधेरे में मैंने इसे ठीक से देखा नहीं। घर आया तो देखा इसमें गुठलियां बनी हुई है। ये देखिए साई, ये बेकार है साई, इसे फेंक दूंगा। कल फिर से अच्छा सा कुमकुम लेकर आऊंगा। जरूरी नहीं जो चीज दिखने में बेकार हो वो सच में बेकार है। हर चीज को ठीक किया जा सकता है, सुधारा जा सकता है, बस इंसान में धैर्य होना चाहिए। धैर्य कहाँ होता है बच्चों में? हमारी रोक टोक से वो हम दोनों से नाराज होती चली गई। पहले रोना धोना होता था, फिर गुस्सा दिखाने लगी। अब तो लगता है हमसे नफरत ही करती है। कैसी बातें कर रही हो बेटी? बच्चे कभी माता पिता से नफरत करते हैं? हाँ थोड़ी नाराज है मैं मानती हूँ, लेकिन एक दिन सयानी हो जाएगी तो सब समझ जाएगी। शांत हो जा, सब ठीक हो जाएगा। मैं खाने की तैयारी करती। जी माँ जी, हम पानी ले आते हैं। मुझे लगा मेरे जीवन में बहुत संकट है, लेकिन अपनी छोटी सी बेटी को बीमार देखकर इन माता पिता पे क्या बीत रही होगी। इसके आगे तो मेरे दुख कुछ भी नहीं। हे राम जी, इस बच्चे की तकलीफ हर लीजिए, इसे मेरी उम्र लग जाए लेकिन इसे बचा लीजिए। Thank you.
आपको लगता है इसे बचाया जा सकता है? क्यों नहीं श्यामा? लेकिन साई, इतने कुमकुम का क्या करना है? आज से ठीक एक महीने बाद गांव में ग्राम देवी का उत्सव है ना, उस दिन हमें ये कुमकुम लेकर मंदिर में जाना है और सभी श्रद्धालुओं को ये प्रसाद बांटना है। पर साई, उत्सव तो एक महीने बाद है, फिर आपने अभी से कुमकुम क्यों मंगवाया? समय तो लगेगा ना श्यामा, ग्राम देवी की पूजा तक इस कुमकुम को फिर से ठीक करने में। नमी के कारण इसमें जो गुठलियां बनी हैं, इनको तोड़ने का जिम्मा मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए। आपको ये ज्ञात था ना साई कि इस कुमकुम में गुठलियां होंगी? सारे उत्तर आज ही चाहिए? थोड़ा धैर्य रखो, शायद इन गुठलियों के कुमकुम बनने के क्रम में किसी की मदद हो जाए। यहाँ आसपास किसी बूढ़ी औरत को देखा है? हाथ पे एक दाग है। अभी हाल फिलहाल ही शिरडी आई है, सरस्वती नाम है उनका। नहीं भाव, ऐसा तो मैंने किसी को नहीं देखा। शुक्रिया। सखाराम कहाँ निकल गए थे? सखाराम, मैं तुम्हारे लिए वहां धर्मशाला में रुका पड़ा हूं, यहां क्या कर रहे हो? मंदार, मैंने सरस्वती काकी को देखा यहां। सरस्वती काकी को? हाँ, यहां शिरडी में? हाँ, यहां शिरडी में। मुझे पूरा यकीन है कि उनकी बीमारी के बारे में यहां पर किसी को पता नहीं है, तभी तो उनको इस गांव में पनाह मिली होगी, वरना तो अब क्या करोगे? पहले उन्हें ढूंढ तो लूं। मुझे बचा लीजिए, वो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन वो लोग तुम्हारा पीछा क्यों कर रहे हैं? क्या किया तुमने? तात्या, कोई शरण मांगे तो हमारा सबसे पहला कर्तव्य है उसे शरण देना, उसकी रक्षा करना। क्या किया क्या नहीं, इसका निर्णय तो बाद में भी किया जा सकता है। आओ, पहले कुछ खा लो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.